घर में अगर एक तरह का ही नाश्ता डेली खा खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस तरह की नई रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, जो काफ़ी चीज़ी होती है, जो कि घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ का जायका फ्रॉम माई किचन टू योर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको चीज सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है और घर में सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाती हूँ ये इसे बनाते कैसे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। तो ये ले लिए मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स, अब मैं इसे सिखाती हूँ इसे बनाना कैसे हैं। आप एक पैन या फिर एक कढ़ाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ग्रीन चिली कट करके डाली है, हल्का सा सॉटे कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने चॉप की हुई अनियन डाली है, इसको भी मैंने सैलो फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें कैबेज डाली है मैंने, इसे भी मैंने शैलो फ्राई कर लिया है, ये सॉफ्ट हो जाएंगी जब तक। उसके बाद मैंने इसमें डाली है, ये मैंने अजीनोमोटो 1 पिंच डाला है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने टोमेटो सॉस डाला है। उसके बाद मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाला है 1 स्मॉल बोल और 1 स्मॉल बोल मैंने पनीर डाला है। उसके बाद मैंने इसे सॉटे कर लिया है। ये मेरी स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया है, ये स्टफिंग मैंने पूरी स्प्रेड कर दी है, फिर मैंने चीज़ से इसे पूरी ग्रेट कर दी है अच्छे से। उसके बाद दूसरे स्लाइस से मैंने इसे कवर कर दिया है, फिर मैंने टोस्टर में इसे सेक दिया अच्छे से, दोनों तरफ से मैंने इसे ग्रीस कर लिया। ये हमारा बन के चीज़ सैंडविच बन के बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी चीज़ मैंने ऊपर से भी ग्रेट करके डाल दी है। ये टेस्टी सा, डिलीशियस सा, सबका पसंदीदा चीज़ सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल विथ योर डियर वंस एंड नियर वंस। बाकी डिटेल को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।